मेजॉरिटी ऑफ द फ्री वीपीएन जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो या तो मैलवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर आपका डेटा बेच रहे हैं ताकि वो पैसे कमा सके। आज उन सारे हजारों बैड वीपीएन में से हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड फ्री वीपीएन जो एक्चुअल में अच्छे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हर साल यहाँ पर मैं फ्री वीपीएन की लिस्ट लाता हूँ एंड 2024 के लिए नई लेटेस्ट फ्री वीपीएन की लिस्ट आ चुकी है। सिक्योर कौन सा है, स्पीड कौन सी अच्छी है, इसमें आपको इंडियन सर्वर मिल रहे हैं, कौन सा गेमिंग के लिए अच्छा है, कौन सा टॉरेंटिंग के लिए अच्छा है, कौन सा स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है, फ्री में सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड यहाँ पे मैं पिछले 4 साल से वीपीएन्स के रिव्यूज़ कर रहा हूँ। खूब सारे वीपीएन यूज़ करे हैं, फ्री वीपीएन्स देखा है, वीपीएन की प्राइवेसी पॉलिसी डिकोड करी है, बहुत सारे ऐसे वीपीएन्स भी देखे हैं जो काफ़ी सारे मैलिशियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज मैं आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड फ्री वीपीएन्स बताऊंगा ना। फ्री वीपीएन्स की ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस रहती है, तो फ्री वीपीएन उन लोगों के लिए प्रेफर्ड है जो वंस इन अ ब्लू मून यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए करना है तो फिर फ्री वीपीएन उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको रेगुलरली यूज़ करना है, कुछ लॉन्ग टर्म वो यूज़ करना चाहते हैं वीपीएन का, देन इन दैट केस गो फॉर अ पेड वीपीएन। सर्फशार्क, नॉर्ड एक्सप्रेस तीनों अच्छे हैं, तीनों के डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभार यूज़ करना है तो फ्री वीपीएन यूज़ करके देख सकते हो। शुरुआत करते हैं क्लाउडफ्लेयर के 1.1.1 से। ये एक वीपीएन नहीं है, ये एक डीएनएस सर्विस होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वीपीएन में आपका कनेक्शन इनक्रिप्ट होता है और लोकेशन चेंज होती है, यहाँ पे सिर्फ आपका डीएनएस चेंज होता है, जिसका मेनली यूज तब होता है जब आपको अपने आईएसपी से इंफॉर्मेशन हाइड करनी हो। फॉर एग्जांपल, मेरा आईएसपी अगर एयरटेल है तो मैं नहीं चाहता कि एयरटेल वालों को वो इंफॉर्मेशन मिले, तो इन दैट केस आई विल यूज अ डीएनएस एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू अनब्लॉक द वेबसाइट्स जो आईएसपी लेवल पर ब्लॉक होती है, उसको अगर आपको अनब्लॉक करना हो फ्री में तो फिर 1.1.1 एक अच्छा ऑप्शन है। क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस सर्विस यहाँ पर कोई लॉग नहीं रखती है, इनका ऑडिट भी हुआ था, जो स्पीड्स मिली थी वो भी मुझे काफी अच्छी थी, 197 डाउनलोड की, 195 अपलोड की। सो क्लाउडफ्लेयर की वाली डीएनएस सर्विस फ्री है, फास्ट है, और अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट अनब्लॉक करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स को ये अनब्लॉक कर सकता है, यू कैन ट्राई यूजिंग इट। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, इसके सारे ऐप्स अवेलेबल है ऑन डिफरेंट प्ले स्टोर्स, मैक, विंडोज़। पहले इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब सब जगह पर इसके ऐप्स अवेलेबल है, तो यू कैन जस्ट इंस्टॉल द ऐप एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर फ्री। 6 नंबर पर हमारे पास HideMe VPN। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी अच्छी है, नो लॉग है, ऑडिट हो चुका है, लेकिन जो स्पीड्स मुझे इसमें मिली थी वो थी 5 Mbps डाउनलोड की और लेस देन 1 Mbps अपलोड की, जबकि मेरी ओरिजिनल स्पीड 220 Mbps अपलोड और डाउनलोड की है। और इस स्पीड पे मैं तो इस वीपीएन को नहीं यूज़ कर पाया ज़्यादा, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा है, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी इसकी अच्छी है, यूज़र इंटरफेस भी डिसेंट सा है। इसका एंड्रॉयड ऐप आप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पाओगे, इनकी वेबसाइट से आपको जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, सो दैट्स अ कैच। लेकिन स्पीड मुझे अच्छी नहीं मिली थी, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस। 5th नंबर पे हमारे पास आईवेसी वीपीएन, जो कि एक नई एंट्री है इस साल। इसकी जो मेन खास बात मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली इंस्टॉल द ऐप, बिना कुछ ईमेल दिए साइन अप करें, यू कैन स्टार्ट यूजिंग अ वीपीएन। इनकी नो लॉक पॉलिसी है, हालांकि वो ऑडिटेड नहीं है, और जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है वो सिंगापुर में है, जो कि 49 में आता है। फ्री में यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सर्वर मिलेगा, नीदरलैंड्स का, लेकिन जो मुझे स्पीड मिली थी फ्री में वो भी काफ़ी अच्छी थी, 200 Mbps डाउनलोड और 172 Mbps अपलोड की। यहाँ पर कोई डेटा कैप नहीं है, लेकिन इसको P2P और टॉरेंटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। आईवेसी वीपीएन में उनको रिकमेंड करूँगा जिन्होंने आज तक वीपीएन नहीं यूज़ किया, जिनको कोई अकाउंट नहीं बनाया, क्विकली आपको यूज़ करना है किसी सिचुएशन में, आपको क्विकली वीपीएन यूज़ करना है, सीधे से आपको डाउनलोड करो, कनेक्ट करो, बात खत्म। वीपीएन की दुनिया में एंट्री लेने के लिए ये एक अच्छा वीपीएन हो सकता है। 4th नंबर पे हमारे पास विंडस्क्राइब, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, नो लॉग है, इनका ऑडिट नहीं हुआ है अभी तक अनफॉर्चुनेटली। डेटा यहाँ पर आपको 10 GB per month का मिल जाता है। स्पीड में यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला था, 87 की डाउनलोड थी, 12 की अपलोड थी, जब मैंने अपने नियरेस्ट हांगकॉन्ग सर्वर से कनेक्ट किया, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पीड कम हुई है मेरी। लेकिन इसमें आप लोग स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और P2P भी कर सकते हो इनके फ्री सर्वर्स पे, तो अगर आपको कोई वीपीएन चाहिए US कंटेंट को अनलॉक करने के लिए, यू कैन ट्राई दिस वीपीएन। बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड्स नहीं मिली है, बट स्टिल इट्स अ गुड वीपीएन फॉर फ्री। ऑन नंबर 3 वी हैव एटलस वीपीएन, इनकी नो लॉक पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पे डेटा आपको मिल रहा है वो सिर्फ 5 GB per month मिल रहा है। सर्वर लोकेशन में US है, नीदरलैंड से, और रिसेंटली इन्होंने सिंगापुर भी इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट्स द नियरेस्ट सर्वर दैट यू कैन गेट फ्रॉम इंडिया। इसलिए मुझे स्पीड जो मिली थी वो काफ़ी अच्छी मिली थी, 210 Mbps डाउनलोड, 178 Mbps की अपलोड, एंड पिंग वॉज अबाउट 68 Ms, जो कि बहुत अच्छा है फॉर अ फ्री वीपीएन। P2P आप लोग कर पाओगे, स्ट्रीमिंग मेरे केस में कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो US बेस्ड है, जो कि 5 Eyes में आता है, सो P2P टॉरेंटिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट एटलस VPN कम्स अंडर नॉर्ड सिक्योरिटी, ये वही कंपनी है जिसके अंदर नॉर्ड VPN, नॉर्ड लॉकर आते हैं, एंड दे हैव अ रेप्यूटेटेड इमेज
when it comes to security. So that's why you can trust this VPN even though जो उसका jurisdiction है वो US में है, but फिर भी उस पर थोड़ा बहुत trust कर सकते हो, हालांकि इनका अगर audit होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता. सो एटलस VPN फ्री में काफ़ी अच्छा है, 5 GB का डेटा मिल रहा है, लेकिन जो सिंगापुर के सर्वर्स है दैट मेक्स इट रियली गुड फॉर इंडियन यूजर्स. और अगर आपको गेमिंग करनी है फ्री VPN लगा के, तो एटलस VPN के सिंगापुर सर्वर्स फॉर फ्री इज़ अ गुड चॉइस. सेकेंड नंबर पर हमारे पास प्रोटोन VPN, इनकी प्राइवेसी काफ़ी अच्छी है, नो लॉक पॉलिसी है, ऑडिट हो चुका है, अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है आपको फॉर फ्री. सर्वर लोकेशन यहाँ पे 3 मिल जाती है, जापान की, US की और नीदरलैंड की. जो स्पीड काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे 162 Mbps की डाउनलोड, 190 अपलोड, और वायर गार्ड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पे सपोर्ट है. स्पीड जिसकी लास्ट ईयर थोड़ी अनस्टेबल थी, बट इस साल मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट स्पीड्स देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है. ज्यूरिसडिक्शन इनका स्विट्जरलैंड में है, जो कि प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कोई भी स्ट्रीमिंग और टॉरेंटिंग नहीं कर पाओगे इनके फ्री सर्वर्स के साथ में. सो प्रोटोन VPN का तब यूज़ करो जब आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए हो, आपको US के प्रोमो या फिर US की वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करनी हो, और एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए, तो फिर प्रोटोन VPN फॉर फ्री इज़ रियली गुड. नाउ इससे पहले मैं फर्स्ट VPN पे जाऊँ, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, एंड इफ़ यू डिसाइड टू बाय एनी VPN तो उसके डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, यू कैन यूज़ दैट लिंक टू सपोर्ट माय चैनल. नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से साथ, कि बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि ये वाला फ्री VPN बताओ, वो बताओ, क्योंकि वो अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं या बहुत अच्छी स्पीड्स दे रहे हैं या बहुत सारे उनके पास सर्वर की लोकेशंस है. लेकिन आपको यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे कि हॉटस्पॉट शील्ड है लोगों ने कहा, उसके बारे में बताओ. अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देता है अपने फ्री VPN के साथ में. पेड इनका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फ्री वाले में एडवर्टाइजमेंट देता है, और फिर एडवर्टाइजमेंट जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर आपका IP एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें शेयर करी जाएगी. उसी तरीके से स्पीडीफाई है, होला VPN है, इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे VPNs भी है जिनको यहाँ पे गूगल खुद रिमूव कर देता है विद टाइम, जब उसको पता चलता है कि मैलवेयर्स हैं या फिर वो आपका डेटा चुरा रहे हैं. तो फ्री VPN यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेकिंग योर डेटा या फिर आर इंस्टॉलिंग अ मैलवेयर इन योर सिस्टम. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. जो VPN इस लिस्ट में नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कोई उसके अलावा कोई VPN यूज़ कर रहे हो, तो बी केयरफुल विद दैट एंड डू योर प्रॉपर रिसर्च. नंबर वन है हमारी लिस्ट में प्रिवाडो VPN. इसकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, नो लॉग है, स्विट्जरलैंड इसका ज्यूरिसडिक्शन है, विच इज़ अगेन गुड फॉर प्राइवेसी. डेटा कैप यहाँ पर आपको 10 GB का मिल जाता है पर मंथ फॉर फ्री. यहाँ पर आपको 10 सर्वर लोकेशंस मिल जाती है, एंड द गुड थिंग इज़ कि इंडिया का भी सर्वर इन्होंने रिसेंटली फॉर फ्री इंट्रोड्यूस कर दिया है. एंड अनदर गुड थिंग इज़ कि वो वर्चुअल सर्वर है, मतलब यहाँ पे उनको डेटा नहीं रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंडियन VPN लॉज. उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा क्या है इंडिया के VPN लॉज. लेकिन वर्चुअल सर्वर है, सो दैट इज़ गुड, नो लॉग रहेगा वो. एंड बैड थिंग इज़ कि जो उसकी स्पीड मुझे मिली थी वो अच्छी नहीं थी. इंडिया की स्पीड यहाँ पे 2.3 Mbps डाउनलोड था और 2.28 अपलोड था, जो कि अच्छा नहीं है. लेकिन जब मैंने पेरिस से अपलोड किया था, 215 Mbps की डाउनलोड और 194 Mbps की अपलोड स्पीड्स मिली थी. एंड P2P और स्ट्रीमिंग के लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो. सो आई थिंक फॉर 2024 इट्स अ ग्रेट फ्री VPN टू यूज़ राइट नाउ. ये एक लौता VPN है जिसका इंडियन सर्वर जो आपको एक्सेस दे रहा है, हालांकि इसकी स्पीड कम है इंडियन सर्वर्स की, लेकिन जो बाकी सर्वर्स है उनकी स्पीड अच्छी है. लेकिन इंडियन सर्वर्स भी मिल रहे हैं फॉर फ्री, तो एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है. एंड प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी, ज्यूरिसडिक्शन, वायरगार्ड का सपोर्ट और स्ट्रीमिंग, P2P, यहाँ पर सब ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं. नाउ लेट सम दिस अप. बेस्ट फ्री VPN फॉर 2024 इज़ प्रिवाडो. बेस्ट VPN टू अनलॉक और अनब्लॉक योर वेबसाइट्स इज 1.1.1.1 का DNS सर्विस, Cloudflare का DNS. बेस्ट VPN फॉर स्ट्रीमिंग इज प्रिवाडो, अच्छा है, एटलस भी अच्छा है, Windscribe भी यूज़ कर सकते हो. बेस्ट VPN फॉर अनलिमिटेड डेटा प्रोटोन VPN. बेस्ट फ्री VPN फॉर स्पीड्स एटलस और प्रिवाडो, दोनों में मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड मिली थी. बेस्ट फ्री VPN फॉर गेमिंग एटलस VPN का सिंगापुर सर्वर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे. बेस्ट VPN फॉर टॉरेंटिंग प्रिवाडो यूज़ कर लो, सिंगापुर का ज्यूरिसडिक्शन है, सो दैट इज़ रियली गुड. बेस्ट फ्री VPN फॉर एंड्रॉइड प्रोटोन VPN, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड्रॉइड के लिए. बेस्ट फ्री VPN फॉर आईफोन एटलस VPN और प्रोटोन VPN, दोनों अच्छे लगे मुझे आईफोन के लिए. बेस्ट फ्री VPN विद इंडियन सर्वर्स इकलौता VPN है, जो कि है प्रिवाडो. सो ये थे कुछ सिलेक्टेड VPNs 2024 के लिए जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं फॉर फ्री. आप चाहो तो इनमें से कोई एक यहाँ सारे ही डाउनलोड करके देख के यूज़ कर सकते हो, फ्री है, कौन से आपको पैसे देने हैं, तो यू कैन ट्राई एवरी वन ऑफ देम, सिर्फ 7 ही VPN से. एंड वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप दे देना, और अगर सपोर्ट करना हो इस चैनल को एंड इफ यू डिसाइड टू बाय अ VPN तो उसके डिस्काउंटेड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.